भगवान शंकर सुनाने लगे कि अपना वेश त्याग करके मैं गया था महाराज देखने के लिए। गोपी का वेश धारण करके गए थे भगवान, और जब द्वारिकाधीश को पता चला कि गोपी के वेश में भगवान शंकर आए, तो द्वारिकाधीश गए थे पास में, पर भगवान शंकर तो घूंघट डाल के खड़े। पार्वती ने पक्ष लिया कि महाराज इधर मत जाओ, ये नई गोपी है। भगवान ने कहा ये नई गोपी है कैसी, जरा मैं देखूं तो सही। और जो ऊपर से नीचे तक निहारा तो क्या देखा, पांव धोले पड़ रहे थे। भगवान द्वारिकाधीश ने विचार किया कि गोपियों का ऐसा श्रृंगार तो बहुत देखा, पर पहली बार देखा कि किसी गोपी के पांव भी धोले हों, क्योंकि भगवान शंकर तो भभूत रमाते थे। और जो नजर गई तो भगवान चाहते थे कि मुझे दर्शन हो, पर भगवान शंकर तो गोपी का वेश धारण करके चुपचाप खड़े हैं। कौन है गोपी? गोपी भाव का नाम है, किसी स्त्री का नाम नहीं। ग्रंथकार लिखते हैं भागवत में, इति गोप्य प्रगायन्ते प्रलपन्तस्य चित्रधा रुरुदु सुस्वर राजन कृष्ण दर्शन लालसा। कौन है गोपी? जिसके मन में केवल और केवल कृष्ण की दर्शन की लालसा हो। जब भगवान शंकर गोपी का वेश धारण करके आए और छुप छुप कर महाराज देख रहे थे, तो भगवान द्वारिकाधीश ने भी कहा कि आप भले ही मत दिखाओ, पर मुझे तो आपका रूप देखना आता है। और भगवान ने क्या किया, जो भगवान ने बंशी बजाई, जो बंशी बजाई, यही तो बंशी का मातम्य है। जब जब भी कन्हैया ने अधर पर मुरली रख करके फूंक दी, तो सारे संसार को आनंदित कर दिया। आइए, महाराज के प्रांगण में भगवान की बांसुरी बज रही है, और उस बांसुरी की धुन को जब गोपियां सुनती है, तो क्या गोपिकाओं की दशा हुई है, और कैसी भगवान की बांसुरी बज रही है। आइए आनंद लीजिएगा, झूमिएगा, और भगवान की बांसुरी को जरा श्रवण करिएगा। जैसे ही नरसिंह जी महाराज महाराज के प्रांगण में प्रवेश करते हैं भगवान के साथ, तो क्या देखा, भगवान का महाराज चल रहा है। और जो भगवान ने महाराज का आनंद प्रदान करना प्रारंभ किया, नरसिंह जी महाराज देख रहे हैं और भगवान महाराज का आनंद प्रदान कर रहे हैं। कैसा महाराज चल रहा था, आइए कुछ पंक्तियां महाराज के भजन की भी गुनगुना लेते हैं। भगवान ने जब महाराज का आनंद प्रदान करना प्रारंभ किया, नरसिंह जी महाराज मशाल लेकर के सेवा में खड़े हैं, और भगवान के चारों तरफ गोपिकाएं महाराज कर रही है, भगवान वेणु वादन कर रहे हैं। कैसा सुंदर दृश्य वहां पर दिखाई दे रहा है। नरसिंह जी महाराज जब भगवान शंकर के साथ रास मंडप में पधारे, तो क्या देखा, भगवान वेणु वादन कर रहे हैं, और गोपिकाओं के साथ जो महाराज का दिव्य अमृत बरसा रहे हैं। नरसिंह जी महाराज रास मंडप में मशाल लेकर के खड़े थे, इतने महाराज में मग्न हुए, इतने मग्न हुए कि उस मशाल को जलते जलते वो मशाल जब हाथ तक आ गई तो हाथ जलने लगा, पर नरसिंह जी महाराज को कोई सुध-बुध नहीं। और नरसिंह जी महाराज जब इतने मग्न हो गए, तो भगवान की नजर जाती है, और जैसे ही नजर पड़ी, भगवान दौड़े दौड़े आए। महाराज नरसिंह का जो हाथ जल गया था, भगवान ने अपना पीतांबर निकाला और उस पीतांबर में नरसिंह के हाथ को रखा। जला हुआ हाथ भगवान वैसा का वैसा स्वस्थ कर देते हैं। क्या सुंदर कृपा की है श्याम सुंदर ने। नरसिंह जी महाराज भगवान को बारंबार प्रणाम करते हैं। नरसिंह जी महाराज ने जब रास राशेश्वर भगवान के दर्शन किए, तो एक टक पलकों से निहार रहे हैं,
नरसिंह जी महाराज के प्रसन्नता का आज कोई वारा पार नहीं। इधर भगवान शंकर जो नरसिंह जी को लेकर के आए थे, द्वारिकाधीश ने पूछा शंकर भगवान से, ये भक्त कौन है जिसे आप यहां पर लेकर के आए? तो क्या परिचय दिया है भगवान शंकर ने? हरि पूछे हर सो मुख मुलकत, सखा कहां ते आयो है। तो क्या भगवान शंकर उत्तर देते हैं कि गढ़ गुजरात बास जूनागढ़, और नरसी नाम कहां आयो है। भगवान शंकर ने कहा महाराज जूनागढ़ से ये आपका भक्त नरसी, इसे मैं लेकर के आया हूं। और ऐसे जब भगवान के वचन सुने तो भगवान क्या करते हैं, शिव के वचन सुनत करुणा निधि, नरसी कंठ लगायो है। आज भगवान जैसे ही शंकर भगवान की वाणी सुनते हैं और नरसी को अपने कंठ से लगा लेते हैं, भक्त और भगवान का मिलन हो रहा है। देवता लोग पुष्पों की बरसात करते हैं, जय जयकार करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान द्वारिकाधीश नरसिंह जी महाराज को आलिंगन प्रदान करते हैं, और जब कृपा की तो आपने अपना पीतांबर नरसिंह जी को उड़ा दिया। नरसिंह जी से भगवान ने कहा, नरसिंह महादेव की पावन कृपा से तुमने महाराज का आनंद तो प्राप्त किया है, अब जाओ इस धराधाम पर पुनः प्रस्थान करो। नरसिंह जी महाराज ने कहा, प्रभु अब मैं नहीं जाना चाहता, मुझे तो यही आनंद आ रहा है। पर भगवान ने कहा, नरसिंह ये महाराज का मंडप है, यहाँ इतनी देर तुम्हारा ठहरना संभव नहीं। और भगवान आज नरसिंह जी का श्रृंगार करते हैं। आपने पीतांबर ओढ़ाया, नरसिंह जी महाराज को तिलक दिया, और तिलक करके भगवान नरसिंह जी को टोपी पहनाते हैं। नरसिंह जी को जब भगवान ने टोपी पहनाई तो भगवान ने कहा, नरसिंह मैंने तुम्हें टोपी पहनाई है, तुम किसी और को टोपी मत पहनाना। अच्छा, टोपी पहनाने का मतलब आप जानते हो क्या? टोपी पहनाना मतलब लोक भाषा में ठग लेना। भगवान कहते, नरसिंह मैंने तुमको ठग लिया है, इसलिए संसार में तुम किसी को मत ठगना, और विचार करो जिसे भगवान टोपी पहना दे तो फिर वो न तो किसी को टोपी पहनाता है और न वो किसी से छल कपट करता है। यही तो भगवान की कृपा है। भगवान ने हाथ में दो करताल दी और कहा, जाओ भगवान का भजन करना। नरसिंह जी महाराज जब जाने लगे तो अभी घूमे ही थे और याद आया, प्रभु आपका मोबाइल नंबर तो दे दो, याद आएगी तो कैसे क्या करूंगा। और नरसिंह जी महाराज ने जब मोबाइल नंबर मांगा तो भगवान ने, रीजे हरि दियो केदारो नागरियो यश गायो है। भगवान आज प्रसन्न होकर केदारा राग प्रदान कर देते हैं। और भगवान ने वचन दिया, नरसिंह ये मेरे मोबाइल नंबर, जब जब तुम इस केदारा राग को गाओगे, जब जब तुम याद करोगे, जहां मैं होऊंगा, जैसी स्थिति में होऊंगा, तुम्हारे लिए दौड़ा चला आऊंगा, भागा चला आऊंगा, बस तुम इन केदारा राग को गा करके मेरा स्मरण कर लेना। और नरसिंह जी महाराज ने तो करताल ली और प्रस्थान करते हैं कीर्तन करते हुए। नरसिंह जी महाराज संकीर्तन करते हुए जब पृथ्वी लोक पर पहुंचे तो भगवान ने आदेश दिया, जाओ अक्रूर और द्वारिका के मार्ग पर नरसिंह जी महाराज की हवेली बना दो। नरसिंह जी महाराज जब धराधाम पर आए तो सबसे पहले दौड़े दौड़े गए अपने घर पर और कहा, भौजाई अरे धन्य हो तेरा, धन्य हो, बहुत बहुत धन्यवाद, अगर तू ताना नहीं देती तो मैं भगवान का भजन नहीं करता, और भजन नहीं करता तो मुझे महाराज का आनंद नहीं प्राप्त होता,
अरे तेरे ताने ने तो कमाल कर दिया और मुझे उस परमात्मा से मिला दिया। भौजाई ने सोचा कि इतने दिन हो गए ये बाबा जी बनकर के आए, अब क्या काम है, जाओ यहाँ से। नरसिंह जी ने कहा मैं कौन सा यहाँ ठहरने वाला हूँ। और नरसिंह जी महाराज तो करताल की सेवा करते हुए जब द्वारिका के मार्ग पर बढ़े तो क्या देखा, एक विशाल काय हवेली। अक्रूर जी महाराज हाथ जोड़ करके खड़े हैं और कहा भगवान के आदेश से ये आपको हाजिर है, आप इसमें खूब भगवान का भजन करिएगा और अपना जीवन यापन करिएगा। नरसिंह जी महाराज जब इस हवेली में रहने लगे, शास्त्रकार वर्णन करते हैं 12 पीढ़ी जितना धन खाए, 12 पीढ़ी जितनी संपत्ति, जो 12 पीढ़ी से भी नहीं कूटे इतनी संपत्ति भगवान ने प्रदान की। पर नरसिंह तो ऐसे अलबेले भक्त, ऐसे अलबेले भक्त कि 12 पीढ़ी को, पीढ़ी की संपत्ति को 12 महीने में लुटा करके और भगवान के भजन में लग गए। नरसिंह जी महाराज जब संपत्ति को लुटाते हैं, नरसिंह जी महाराज के वही विचार थे, माया तना विघन्न बहुत है राम जी, भजन करे अंतराय भुलावे नाम जी। नरसिंह जी महाराज ने कहा प्रभु आपकी ये माया मुझे भजन नहीं करने देगी, मुझे नाम स्मरण नहीं करने देगी, इसलिए आप कृपा करिए। और जब नरसिंह जी महाराज के यहाँ पर धन धान्य की खूब जब आनंद था तो नरसिंह जी महाराज अपने पुत्र और पुत्री दोनों का बड़े ठाट बाट के साथ विवाह करते हैं। नरसिंह जी महाराज ने श्यामल दास का बड़ा ठाट बाट के साथ में विवाह किया और नरसिंह जी अपनी पुत्री नानी बाई का विवाह भी अंजार नगर में श्रीरंग जी के आंगन में बड़े ठाट बाट के साथ करते हैं। जब तक पैसा था तब तक तो लोगों ने बहुत पूछ करी, बहुत पूछा, बहुत सम्मान दिया, तो लोगों का नजरिया बदल गया और संयोग की बात, वही ब्याई सगे जिन्होंने नरसिंह जी महाराज को खूब ठाट बाट से ब्याह करते देखा था, जब नानी बाई का अंजार नगर में विवाह हुआ और समय होते होते जब नानी बाई के यहाँ पुत्री विवाह के योग हो गई तो नानी बाई के आंगन में आज पुत्री के विवाह का आयोजन होने की तैयारियां चल रही है। वैसे तो नरसिंह जी महाराज के जीवन में अनेक चमत्कार है, मैंने आपको श्रवण कराया ना, ये तो केवल भूमिका है। आप विचार करिए भगवान 52 बार धरती पर आए नरसिंह जी के लिए, तो कितने चमत्कार रहे होंगे। ऐसे ये नानी बाई का मायरा तो एक कथा है, एक चमत्कार है जिसमें भगवान सेठ बनकर के मायरा भरते हैं, पर नरसिंह जी महाराज के जीवन में ऐसे कितने चमत्कार हैं, जब जब भगवान ने पधार करके उन पर कृपा की है। नरसिंह जी महाराज के लिए भगवान संतों की हुंडी स्वीकार करते हैं, नरसिंह का नाम रखते हैं। नरसिंह जी महाराज ने उस परमात्मा के भरोसे जब हुंडी लिख दी तो संतों को कहीं ऐसा न लगे कि नरसिंह ने हमें ठग लिया, नरसिंह के पास तो कुछ था नहीं। और नरसिंह जी के लिए भगवान स्वयं सेठ बन करके आए, नरसिंह की हुंडी भगवान ने स्वीकार की। नरसिंह जी महाराज को जब वहां के राजा ने कैद कर दिया तो उस कैद से छुड़ाने के लिए स्वयं भगवान पधारे हैं। ऐसे ये तो एक दो चमत्कार है, पर न जाने कितने कितने चमत्कार नरसिंह जी महाराज के जीवन में हैं। अगर केवल नरसिंह चरित्र पर ही चर्चा की जाए तो न जाने कितने दिन निकल सकते हैं, पर आइए ये तो सब भूमिका थी।
मायरे की जो मुख्य कथा है, जहां से मायरा प्रारंभ होता है, आइए हम प्रवेश करते हैं मायरे में। नानी बाई की यहाँ पुत्री बड़ी हुई है और अंजार नगर में जब विवाह की तैयारियां हुई, आयोजन की तैयारियां हैं, तो कंकु पत्री लिखी जा रही है। कैसा वहां का दृश्य है, आइए आनंद लीजिएगा और साथ में दोहराने का प्रयास करिएगा। नरसी जी की डीकरी ने नानी बाई नाम जी, नरसी जी की डीकरी ने नानी बाई नाम जी, नरसी जी की होने लगी तो कंकु पत्री लिखने लगे। नरसी जी की डीकरी नानी बाई नाम, ब्याही श्री रंग के घरा, नगर अंजार सुग्राम। कब की ये कथा है, शास्त्रकार वर्णन करते हैं, 1481 शाके साली वहान, 1616 तने विक्रम संवत जान। अभी क्या चल रहा है, 2075 विक्रम संवत, और ये कथा है 1616। अब यहाँ बहुत सारे व्यापारी वर्ग बैठे हैं जिनका गणित बहुत अच्छा है, माइनस कर लो 2075 में से 1616 गए तो 459, अर्थात मात्र और मात्र केवल 450 वर्ष पुरानी ये कथा है, जिस कथा को आप श्रवण कर रहे हैं। नरसी जी महाराज को इसी कलयुग में, इसी धरती पर भगवान ने पधार करके उन पर कृपा की है। अंजार नगर में जब कंकु पत्री लिखने लगे तो सब ब्याही सगों ने विचार किया कि महाराज कंकु पत्री सब ब्याही सगों के लिखी, पर जैसे ही नरसी जी का नाम आया तो घर वाले विचार करने लगे कि अब क्या किया जाए, नरसी जी को पत्रिका लिखी जाए या नहीं लिखी जाए, क्योंकि घर वाले विचार करते हैं महाराज हम तो कर रहे हैं ब्याह का मेला, और अगर नरसी जी आ गए तो ये कर देंगे कुंभ का मेला, क्योंकि नरसी जी के साथ में तो साधु संत ही आने वाले थे, कोई मेहमान तो आने वाले थे नहीं। तो घर वाले विचार करते हैं और इन्होंने क्या किया, माघ कृष्ण भृगु सप्तमी कंकु पत्री लिखाय और नागर सब भेला हुआ, झाजम दई बिछाय। सब एक झाजम पर एकत्रित हुए और कंकु पत्री लिखने का काम प्रारंभ हुआ। क्या
क्या सुंदर हमारी भाषा है, झाजम दही बिछाए। आजकल नए लोगों को तो पता ही नहीं है झाजम क्या होती है, पुराने लोग जानते हैं। जब परिवार में कुछ समस्या होती तो सब एक झाजम पर आ जाते हैं। झाजम आसन का प्रतीक है, एकता का प्रतीक है।